हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप यूआरपी का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। जाने के बाद वहाँ पे यूआरपी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह इंटरफेयर दिखेगा, तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपको अकाउंट नंबर दो चीज़ डालना है। उसके बाद ये दो चेकबॉक्स है, दोनों क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले बताना चाहता हूँ कि अदरवाइज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ आपको फिलअप करना है, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, और दोनों ये चेकबॉक्स है इस पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा डिटेल आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी कोड दिया जाएगा, ओटीपी कोड आपको फिलअप करना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया, अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया, दोनों चेकबॉक्स में ये चेक इन करना है। चेक इन करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड आपको इसमें फिलअप करना है। जब इसमें फिलअप करेंगे तो आगे का प्रोसेस आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या क्या फिलअप करना है, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना डेट बर्थ डालना है कि आपका डेट बर्थ कितना है। तो इसमें मंथ और डेट और ईयर्स इस तरह आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर अदर फीचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। इसको डालने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मैं डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट करें। आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड ये होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इसके थ्रू आपको ओपन करना होगा, अदरवाइज ये नहीं डालेंगे तो ओपन नहीं होगा। देखें यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अकाउंट ओपन तो हो चुका है लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं। देखें तो वेरीफाई करने के लिए आप अपना प्रोफाइल पर क्लिक करें। अपने प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिटेल इसको फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, आपका नाम यहाँ पे, आप अपना एड्रेस, जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे आप नफात के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, और आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको इसको फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले नफात पे क्लिक करें। नफात पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर देगा वो आप नफात एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे उन नंबर पे क्लिक करेंगे, तब जाके ये वेरीफाई होगा। दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें कितना आपका सैलरी है, क्या है, किस लिए आप अकाउंट बना रहे हैं, इसको पूरा फिलअप करना है, तभी जाकर आप इसको 100% यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस तरह आपके सामने आ जाएगा इंटरफेस। सबसे पहले इसको फीडबैक आपको देना है, तो फीडबैक दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है कि फीडबैक दें या ना दें, लेकिन आपकी मर्जी है। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। तो आपको करना है यहाँ पर अपना प्रोफाइल पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, आप अपना पिक्चर लगा सकते हैं, जो भी आपका प्रोफाइल पिक्चर है आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, लगा देंगे तभी अच्छा है, ना लगाएं तो भी कोई मुश्किल नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखें कितना क्या है पूरा डिटेल। जैसे मैं यहाँ पर लोगों पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे कैसे आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। देखें यहां पे फीडबैक आपको देना है, तो फीडबैक आप दे सकते हैं। यहां से कितना फीडबैक देना है, किस तरह देना है, तो आप यहां पे पूरा डिटेल दे के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके ऊपर है, ये नहीं करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन चलेगा, लेकिन आपको यहाँ से जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे जब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं। वेरीफाई के लिए जस्ट यहाँ पर आप अपना लोगो पर क्लिक करें। देखें थोड़ा सा ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरे को बार बार बैक जाना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपको यहाँ फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड, आप यहां से डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने लोगों पे क्लिक करके नफात एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं।